नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, गेट 2019 का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों में से सभी लोग अपना रिजल्ट भी देख चुके होंगे। रिजल्ट देखने के बाद दोस्तों, आपके मन में यही सवाल होगा कि अभी हमें क्या करना है। एमटेक में एडमिशन लेना है या फिर आईआईटीज में एडमिशन लेना, आईआईटीज में एडमिशन लेना है या एनआईटीज में एडमिशन लेना है, या फिर से हमें फिर से तैयारी कंटिन्यू करनी है, या फिर अगर आपकी रैंक बहुत ही बेटर है तो पीएसयू लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों के स्कोर के हिसाब से अगर देखूं तो अगर स्कोर 800 के ऊपर है तो नो डाउट आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं, आप जहां भी चाहेंगे आपको मिलने के मोस्टली चांसेस रहेंगे। आपको पीएसयू भी मिल सकता है, आप अगर किसी भी ब्रांच के हो तो आपको पीएसयू भी मिल सकता है। और अगर आप बिलो 400 हैं तो मे बी आप फिर से आप प्रिपरेशन के लिए जाएं, या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से आप एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा 12,400 का। लेकिन अगर हम बात करें मीडियम स्कोर वालों की, दोस्तों अगर मीडियम स्कोर की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डाउट इनके मन में ही रहता है कि हमें क्या करना है। आईआईटी में एडमिशन लेना है, या फिर हमें फिर से तैयारी करना है, या फिर हम एनआईटीज में एडमिशन ले लें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एनआईटीज का कट ऑफ क्या था पिछली बार 2018 में, 2017 में एंड 2016 में, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा किस क्या कट ऑफ था, आप कहाँ पे लाई करते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज एनआईटी में या कौन सा ब्रांच मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, एनआईटी जो एडमिशन लेता है वो सीसीएमटी के थ्रू लेता है। सीसीएमटी जस्ट सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एमटेक एडमिशन, एमटेक के एडमिशन के लिए ये काउंसलिंग कराता है, जिसमें फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड तक काउंसलिंग चलती है। हर एक स्टेज का अलग अलग कट ऑफ्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट्स मिलती है। दोस्तों, मैं उसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल से बताऊंगा कि सीसीएमटी से कैसे एनआईटीज में एडमिशन हम लेते हैं, क्या है उसका प्रोसीजर, स्टेप टू स्टेप मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा जैसे ही सीसीएमटी का नोटिफिकेशन आ जाता है, क्योंकि मैं उन सभी प्रोसेस को फॉलो किया हूं और मैंने भी एडमिशन लिया है, इसलिए मुझे सब कुछ उसके बारे में आइडिया है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या होता है। दोस्तों, अगर नॉर्मली हम एक कॉलेज का देखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश में, अगर वीएलएसआई डिजाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम एक स्पेशलाइजेशन को लें तो वहां पे जो थर्ड राउंड कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए वो 464 गया था। दोस्तों, मींस 464 तक भी अगर पिछली बार 2017 में जिनके पास स्कोर था उनको भी एडमिशन मिला था। अगर हम दूसरे एनआईटीज की बात करें, नेशनल मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, यहाँ पे अगर 661 एमटेक में स्पेशलाइजेशन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 664 तक स्कोर अगर था जनरल कैंडिडेट का तो उसको भी एडमिशन मिला था। और अगर आप एस सी एस टी की बात करें तो 264 तक भी उनको एडमिशन मोतीलाल नेहरू एनआईटी में मिला था। दोस्तों, तो दोस्तों आपको होप हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लो स्कोर है या मीडियम स्कोर है तो आपको भी अच्छे अच्छे एनआईटीज में एडमिशन मिल सकते हैं। सीसी लास्ट राउंड तक जाते जाते आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आप अगर इन कट ऑफ्स को देख रहे हैं तो आपको भी एडमिशन मिल सकते हैं अगर आप ऐसे रैंक, ऐसे स्कोर के बीच में लाई करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को हर एक कॉलेज का, हर एक स्पेशलाइजेशन का कैसे कट ऑफ हम चेक करें, मिनिमम क्या कट ऑफ था, मैक्सिमम क्या कट ऑफ था, उसके बारे में आप लोगों को आइडिया दूंगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिससे आप लोग हर एक कॉलेज का जिसके अपने रैंक, अपने स्कोर के हिसाब से आप कॉलेज सेलेक्ट कर लें कि हाँ, हम इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं, हमें सीसीएमटी के फॉर्म में यही कॉलेज अप्लाई करना है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाएगा, कैसे चेक किया जाएगा किस कॉलेज का क्या कट ऑफ था पिछली बार, उसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल में बताना चाहूँगा। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो एडमिशन से रिलेटेड एनआईटीज में या अदर आईआईटीज में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, चलिए
देखते हैं कैसे चेक किया जाता है सीसीएमटी का मिनिमम एंड मैक्सिमम कट ऑफ। दोस्तों सबसे पहले गूगल पे जाके आप टाइप करें सीसीएमटी, दोस्तों यहाँ पे आपको सीसीएमटी की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी ccmt.nic.in, आप इस पे क्लिक करें। दोस्तों ये रही सीसीएमटी की ऑफिशियल वेबसाइट, आप देख सकते हैं सीसीएमटी 2018 में एनआईटी दिल्ली ने कंडक्ट कराया था। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं। कैसे चेक किया जाएगा मैं आप लोगों को दोस्तों बताना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों आप ये यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रीवियस ईयर मैक्सिमम एंड मिनिमम गेट स्कोर ऑफ सीसीएमटी, आप इस पे क्लिक करिएगा। उसके बाद कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली दे दूंगा, आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाकर के डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप किस ईयर का चेक करना चाहते हैं, लाइक 2017 या 2016। दोस्तों 2018 का मैंने पूरा लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से डायरेक्टली जाकर के 2018 का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे कॉलेज का, पूरे ब्रांच का, पूरे स्पेशलाइजेशन का क्या मिनिमम एंड मैक्सिमम कट ऑफ था, तीनों राउंड का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां जाकर के 2018 का मीन्स प्रीवियस ईयर का जाकर के देख सकते हैं। अगर हम बात करें 2017 की, तो 2017 में अगर हम यहाँ पे जितने भी राउंड हुए थे, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री एंड नेशनल एनएसआर राउंड, ये फाइनल राउंड होता है, तो अगर हम राउंड वन की बात करें तो राउंड वन में अगर हम देखें, फिर उसके बाद हमें इसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब हम किस कॉलेज का देखना चाहते हैं। जस्ट लाइक अगर हम इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम देखें मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, इसका अगर हम देखना चाहें इस पर क्लिक करें, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा कि जहाँ अगर मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में जितने भी ब्रांचेज चलते रहेंगे उनके नाम यहाँ पे आ जाएगा। सो जो ब्रांच चलते रहेंगे सिर्फ उसके ही नाम आएंगे दोस्तों। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच का देखना है तो आप पर्टिकुलर ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस कॉलेज को देखने के बाद यहाँ पे ऑल को सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद सबमिट बटन दबाइएगा, आपको पूरी लिस्ट ओपन होके मिल जाएगी। दोस्तों सबमिट करने के बाद आपको पूरी लिस्ट ओपन होके मिल जाएगी। अगर आप देखें यहाँ पे मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का देखें तो आप मैक्सिमम एंड मिनिमम कट ऑफ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एनएसटी के लिए। अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजाइन इंजीनियरिंग, डिजिटल सिस्टम, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, आप सबका ये दोस्तों जो कट ऑफ है ये राउंड वन के कट ऑफ हैं, इसके बाद जो राउंड टू, राउंड थ्री उसके कट ऑफ घटते जाएंगे, आप उसको भी चेक कर सकते हैं मिनिमम कट ऑफ क्या था। तो दोस्तों अगर मिनिमम कट ऑफ आपको देखना है तो हम चलिए देखते हैं नेशनल स्पॉट राउंड, एनएसआर राउंड या फिर राउंड थ्री का कट ऑफ देखते हैं क्या होता है किसी भी कॉलेज का। दोस्तों आइए राउंड थ्री का देखते हैं, राउंड नंबर थ्री का देखते हैं कि ये राउंड नंबर थ्री हमें मिनिमम कट ऑफ बताएगा। इसके बाद राउंड नंबर एनएसआर तक मोस्टली लोग नहीं जाते, उनको यहाँ तक सीटें मिल जाती हैं। राउंड अगर थ्री का देखें, अगर एक हम कॉलेज सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, अगर हमें एक कॉलेज सेलेक्ट करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली का देखते हैं या फिर नेशनल टेक्नोलॉजी दिल्ली का ही देखते हैं, दिल्ली देखते हैं, दिल्ली में जितने भी ब्रांचेज चलते रहेंगे दोस्तों वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऑल पे सेलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन दबाएंगे, उसके बाद दोस्तों ये लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का देखें तो 578 जनरल कैंडिडेट के लिए 578 पे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एनआईटी दिल्ली में मिल गया था। और अगर हम एसटी की बात करें तो थर्ड राउंड तक जाते जाते एसटी में कोई सीट नहीं बचा होगा, इसके कारण ये यहाँ पे 0-0 दिखा रहा है। और एससी के केस में 356 पे यहाँ पे सीट मिल गई थी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ऐसे किसी भी कॉलेज का, किसी भी कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, आप यहाँ जा करके वो सारे चेक कर सकते हैं कहाँ का मिनिमम कट ऑफ है, उसके हिसाब से आप कॉलेज की लिस्ट बना लीजिए, अभी से लिस्ट बना लीजिए ताकि जब सीसीएमटी का रजिस्ट्रेशन हो उसके टाइम आपको एंट्री करने में इजी हो और आपको पहले ही राउंड में या सेकेंड राउंड में ही कॉलेज मिल जाए। दोस्तों मैंने 2018 के सारे लिस्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम कट ऑफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और दोस्तों सीसीएमटी या आगे के एनआईटी या आईआईटी में एडमिशन के लिए
कोई भी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो वो आपको डायरेक्टली मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।